Hi there, my name is Muskan, and you are watching Knowledge escort So today in this video, we are going to see what is a jet stream. So guys, before I will move forward, please do like, share, and subscribe to the channel, and now forget to hit the bell icon. So let us first see the introduction of the jet stream. So jet stream are fast flowing, narrow, meandering air current in the upper atmosphere. सर जेट स्ट्रीम क्या होती हैं ये जो है वो नैरो और जो है मैंट्रिंग वेव्स uh, होती हैं या कहीं एक तरह की इवेंट होती है जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है ये ऐसी मैंट्रिंग राइट right? इस तरह से होती है वे भी जो है ये इवेंट्स होती हैं दीज आर जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लोइंग हॉरिजेंटली थ्रू अपर लेयर ऑफ़ द द्रोपोसफियर तो ये जियोस्ट्राफिक विंड होती है जियोस्ट्राफिक विंड क्या होती है वो हम आगे देखेंगे ये जो लेयर्स हैं आपकी जेट स्ट्रीम ये अपर जो ट्रोवोसफियर में है वहाँ जो है ये मूव करती है या फिर ग्लो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट बट ऑफन फ्लो नॉर्थ टू साउथ तो हम देखेंगे कि जो जेट स्ट्रीम है वैसे तो ये मेनली वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है ये मूव करती है लेकिन समटाइम्स ये नॉर्थ से साउथ भी मूव करती है राइट right? ना जो विंड जो है ये लाई करती है सात से चौदह किलोमीटर अबब दी सरफेस now coming to jet stream are formed how these jet stream are formed right they are pressure gradient jiski wajah se banti hai then temperature difference pressure gradient between surface and subsurface over the poles so जो pressure gradient होता है surface के बीच में अब और subsurface के बीच में जो है उसकी वजह से जो है बनती है now coming to जियोस्ट्रॉफिक uh, विंड क्या होती है तो विंड वो होती है जो आइसोबार्स जैसे कि आप देख रहे हैं ये आइसोबार्स हैं या फिर आप कहीं विंड है 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 उसके जो है जो है जो वो आइसोबार्स के ये पैरेलल है ब्लो करती हैं आपके विंड नाउ आपको पता है जो हवाएं हैं आपको पता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है राइट तो आप ये मान के चलो जो विंड्स है ये जो है इक्वेटर से जो है वो आपके पोल की तरफ जो है वो जा रही है ऊपर को राइट और आपको पता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है जो फोर्स जो है प्रेशर के ग्रेडियंट uh, के रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट की वजह से जो प्रोड्यूस होती है उसको जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं नाउ अब जैसे ही जो ये ब्लैक एरो में दिखाई है ये विंड्स जो है ऊपर मूव कर रही हैं आपको पता है कि इक्वेटर पे अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है वो कॉरियोलिस्ट फोर्स है राइट right? तो जो करियलिस्ट फोर्स है ये इस फोर्स को जो है क्या करती है आ, इसको डिफ्लेक्ट करती है राइट विंड को नाउ जब तक जो विंड है वो कोरियोलिस फोर्स जो आपके देखिए आप लग रही है तिरछी तिरछी जब तक कोरियोलिस फोर्स किसके बराबर ना हो जाए प्रेशर ग्रेडियंट के फोर्स तब तक जो है वो जियपिक विंड जो है ये नहीं बनती है राइट तो जब आपके पी जी एफ यानी कि प्रेशर रेडिंग फोर्स और को फोर्स ये जो है एक दूसरे के ऊपर पेंडिकुलर जब हो जाती है तो फिर जो विंड बनती है उस वक्त उसको क्या कहते हैं जोस्ट्रॉपिक नाउ कमिंग टू हिस्ट्री अमेरिकन जो जेट है फाइटर वो जो है फ्लाई करते थे टूवर्ड्स जापान राइट अ, कब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम एक छोटी सी स्टोरी है जिससे कि आपको ये लगेगा पता है जेस्ट्रिंग को जेस्ट्रिंग क्यों कहते हैं राइट तो क्या हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब अमेरिका जो है वो जापान में जो है वो अपने एरोप्लेन या फिर भेजना चाह रहा था और जापान पे अटैक करना चाह रहा था तो जो वेस्ट से जा रहे हैं, जो जेट थे तो उन्होंने काफ़ी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है जब वो जा रहे थे तो उन्होंने फील किया और जब वो बेस वापस आ रहे थे तब उन्होंने फील किया कि उनकी जो जेट की जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी तो इसी फिनिना को स्टडी करने के लिए फिर रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि जो अपर ट्राफॉस्फियर में है कोई जो विंड्स हैं स्ट्रॉन्ग जो कि मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट तो फिर बाद में इनका नाम जो है वो जेस्ट जेट स्ट्रीम जो है वो रखा गया राइट तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना कमिंग टू प्रॉपर्टीज़ सो जेट स्ट्रीम जो है वो सर्कुलेट उनका जो सर्कुलेशन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है राइट और फ्यू हंड्रेड किलोमीटर इनकी विड्थ होती है हाइट जो है सेवन पॉइंट फाइव टू फोर्टीन किलोमीटर होती है इन दी हाँ. एटमोसफियर पर एटमोसफियर uh, एवरेज जो जेट स्ट्रीम uh, uh, जो होती है मेजर जो थाउजेंड्स किलोमीटर उनके जो है वो विथ्स रहती है जैसे कि मैंने आपको बताया टू से फोर किलोमीटर उनकी डेप्थ रहती है सर्कुलेशन जो है वो ऑब्जर्व की जाती है बिटवीन पोल एंड ट्वेंटी डिग्री डिग्रीट्यूड इन बोथ द हेमोस्फियर ऑल्सो नोन एज सरकम बिकॉज कॉज दीज मूव अराउंड पोल इन बोथ दी हेमोसफियर अब इनको सरकम पोल विरल भी कहा गया है क्योंकि ये जो है पोल के uh, दोनों पोल के आसपास जो है वो मूव करती रहती हैं नॉट जो सर्कुलेशन होता है आपके जट uh, स्ट्रीम का वो जो है ट्रेक्ट्री वेवी इस तरह की मैं ड्रिंग उसमें होता है राइट बात ये फॉलो करती है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वेलोसिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड है इसकी राइट वेलोसिटी अगर हम देखें तो जेट स्ट्रीम की काफ़ी ज़्यादा रहती है स्ट्रॉन्ग रहती है इसकी कब विंटर्स में एज़ कम्पेयर टू समर और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो फोर एटी किलोमीटर पर आवर जो है वो विंटर्स में रहती है आपके जेट स्ट्रीम की नाउ कमिंग टू टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम सो ओके सो टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम से पहले हम ये देखते हैं कि जेट स्ट्रीम बनती कैसे है राइट right? तो आपको uh, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो ट्राई सेलकुलर मोशन है राइट आप एटमोसफेयर में जो सेल्स बनते हैं राइट सो ट्रॉपिकल एरिया में यहाँ पर कौन सा सेल बनता है यहाँ पे हेडलेस सेल फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फेरल और यहाँ पे पोलर सेल बनता है राइट तो हमने क्या देखा था कि जो हवाएं हैं वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अब आपको पता है जो इक्वेटर है आपका ये लो प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है राइट तो हवाएं जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है मूव करती हैं राइट और जो है आपका अगेन यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर है और ये आपका हाई प्रेशर है आपको प्रेशर बेल्ट तो पता है ना मैंने आपको पहले बताया था तो आप ये देखिए ये आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ये आपके सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है और ये आपके आ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है तो अब हवाएं जो है वो हाई प्रेशर टू तो लो प्रेशर की तरफ मूव करती है जैसा कि आप जानते हैं राइट तो अब क्या होता है जो हवाएँ हैं वो यहाँ से आती हैं नीचे राइट हाई प्रेशर टू तो लो प्रेशर बट ये यहाँ पर कन्वर्ज नहीं होती है ये यहाँ पर ऊपर जो है वो जो है डाइवर्ज हो जाती है विंड्स जो है वो आपकी डाइवर्ज हो जाती है और जो यहाँ पे उसके बाद जो विंड्स ये ऊपर यहाँ पे एटमॉस्फेयर में चलती हैं तो इनको फिर जेट स्ट्रीम कहते हैं यहाँ पे जो ये बीच में जो है वो विंड्स जो मूव कर रही है अगेन तो ये आपकी जेट स्ट्रीम्स हो गई राइट अपर एटमॉस्फेयर में तो जेट स्ट्रीम कुछ भी नहीं है एटमॉस्फेयर के अपर सरफेस में जो विंड्स चलती है उनको जेट स्ट्रीम कहते हैं दैट्स इट नाओ कमिंग टू पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम ये पोल के आसपास होती है नाम से पता लग रहा है नाओ फाइंड इट अबाउट कन्वर्जन जोन लैप्टीट्यूड ओके सो ये कुछ भी नहीं है ये सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए सिक्सटी किलो लेटिट्यूड uh, के आसपास जो तो है लेटिट्यूड के आसपास जो तो है देखने को मिलेगी और जो ये जो है मूव करती है इस्ट्रली डायरेक्शन में राइट ये मूव करती है इस्ट्रली डायरेक्शन में और बट uh, इरेगुलर होती है राइट इस्टी डायरेक्शन का मतलब है वेस्ट टू ईस्ट राइट तो वेस्ट से अगर ईस्ट की तरफ जाती है तो ईस्ट्रली डायरेक्शन में हुआ ना नाउ कमिंग टू सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये थोड़ा उससे नीचे होती है सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में मूव टू अपर ट्रोपोस्फियर नॉर्थ ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट थर्टी डिग्री टू थर्टी फाइव डिग्री लेटिट्यूड ये मूव करती है राइट right? और सर्कुलेशन जो है वैसे से ईस्ट तरफ होता है इसका भी इरेगुलर मैनर में और जो है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे बनते हैं नाउ कमिंग टू ट्रॉपिकल इस्टी जेट स्ट्रीम अभी तक तो हमने देखी जो हवाएं हैं ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है अब कभी कभी ऐसा भी होता है जो हवाएं हैं वो ईस्ट से मतलब वो मूव करती हैं राइट right? ज़्यादातर लेकिन वेस्टर्ली होता है अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पोलर आपकी जो जेट स्ट्रीम है स्पेशली उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है वो वेस्ट से ईस्ट होती है राइट नाउ कमिंग टू डेवलप अपर ट्रोफोस्फेयर में डेवलप होती है अब अब सरफेस एस्ट्रली ट्रेड विंड्स ओवर इंडिया एंड अफ्रीका ड्यूरिंग समर सीजन ड्यू टू इंसेंस हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू तिब्बतन जो प्लेट काफ़ी ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये जो विंड्स है आपके अफ्रीका एंड ओवर इंडिया जो है ये मूव करती है राइट right? और इंडियन मानसून में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है इसका बाकी हम आगे इसको देखेंगे अभी पोलर नाइट जेट स्ट्रीम अगेन इनको स्टेटोस्फेरिक्स सब पोलर जेट स्ट्रीम भी कहते हैं और ये डेवलप होती है विंटर सीजन में ड्यू टू स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द दिसफीयर अराउंड पोल एट द हाइट ऑफ थर्टी किलोमीटर नाउ कमिंग टू कमिंग टू जेट स्ट्रीम राइट सो जेट स्ट्रीम जो है स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली सर्कुलेशन विद हाई विंड के साथ जो है इसका जो सर्कुलेशन होता है वेस्टर्ली डायरेक्शन से होता है मतलब वेस्ट टू ईस्ट जो है ये मूव करती है बट इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है समर में राइट right? और विंटर में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और लोकल जेट स्ट्रीम में क्या होता है लोकल जेट स्ट्रीम जो है वो थर्मली और डायनेमिकली प्रोड्यूस होती है एक लोकल लेवल पर राइट नाउ कमिंग टू इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम सो इंडेक्स साइकिल क्या होता है जब जो Uh, आपकी जेट स्ट्रीम का जो स्ट्रेट पाथ है जैसे कि आपको ए इसमें दिख रहा है बॉक्स में अभी यहाँ पे जो जेट स्ट्रीम है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है इतनी स्ट्रेट नहीं है बट काइंड ऑफ राइट तो इनका जो एक जो पीरियड होता है ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रेट पाथ टू यू नो वेवी एंड मेन रिंग पाथ में उसको इंडेक्स साइकिल कहते हैं अब जो पूरा जो पूरा आप ये देख रहे हैं इट्स अ इंडेक्स साइकिल राइट और कमिंग टू वेवी जेट स्ट्रीम को क्या कहते हैं रॉसबी वेव राइट रॉसबी वेव के ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन कि रॉसबी वेव जो है वो कौन से जो है आपकी यू नो स्टेज पे बनती है और कमिंग टू पोजिशन ऑफ जेट स्ट्रीम नियर पोल पहली स्टेज uh, में अगर आप देखेंगे तो जो जेट स्ट्रीम का जो पोजिशन होगा वो पोल के नज़दीक होगा सर्कुलेशन जो होगा जेट स्ट्रीम का वो स्ट्रेट होगा राइट बिकॉज रॉसबी वेव अभी तक बनी नहीं है स्टीप प्रेशर रेडियंट एक्सरोस स्ट्रॉन्ग वेस्टली जेट स्ट्रीम जनरेट दिस जोनल इंडेक्स तो यहाँ पे जो ट्रे आप देख रहे हैं कि काफ़ी नज़दीक है इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर रेडियंट है चेंज ऑफ प्रेशर है दैट इज़ वेरी स्टीप मतलब काफ़ी चेंज देखने को मिलता है हमें यहाँ नाउ कमिंग टू स्टेज टू में स्ट्रेट पाथ जो है जेट स्ट्रीम का वो वेवी पाथ में जो है वो कन्वर्ट होने लगता है बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रॉसबी वेव अब यहाँ पे जो रॉसबी वेव है वो बनना स्टार्ट हो जाती है ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड uh, जो है वो जेस स्ट्रीम का वो एक्सटेंड होने लगता है नाउ कमिंग टू स्टेज थ्री में क्या होता है यहाँ पे जो आपकी मैंडरिंग कोर्सेज हैं राइट रॉसबी वेव्स हैं वो फुल्ली डिवेलप हो जाते हैं पोजिशन इज नियर टू इक्वेटर नाउ कमिंग टू स्टेज फोर मैंडरस जो होते हैं जेस्ट स्ट्रीम के वो अलग हो जाते हैं राइट ऐसे 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 है ना आपके मैं काफ़ी ज्यादा काफी ज्यादा काफी ज्यादा ऐसे ऐसे हो जाते हैं और फिर जो है अपना ही जो है एक अपना अलग से ही जो है वो सर्कल बना देते हैं साइड में तो वो कट हो जाते हैं अपने मेन पाथ से ड्यू टू तो मोर सर्कुलेशन राइट ये हमने ऑक्सबो लेक में भी देखा था जब वहां पे रिवर्स के मैं बनते हैं तो ऑक्सबो लेक बन जाती है तो उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है तो जो ये अलग से निकल जाता है ना ऐसे घुमावदार एक तरह का सर्कुलेशन तो ये साइक्लोन और एंटीसाइक्लोनिक फॉर्म में जो है वो फिर आपके उस पर्टिकुलर रीजन में जो है वो प्रेजेंट होता है उसके बाद नाउ कमिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम सो जेट स्ट्रीम जो है वो आपकी इनका क्लोज रिलेशनशिप है इंटेंसिटी ऑफ मिड लैटीट्यूड एंड जेट स्ट्रीम फ्लक्चुएशन अगर हम देखें आई थिंक समथिंग इज मिसिंग ओके नॉट सो जो आपके जो मिड आपकी जो सिग्निफिकेंस है जेट स्ट्रीम का तो देखेंगे हम क्लोज रिलेशन रहता है मिड लैटिट्यूड एंड जेट स्ट्रीम के बीच में फ्लक्चुएशन जो है काफ़ी होता है वेदर कंडीशंस में साइक्लोन एंटीसाइक्लोन बनते हैं जेट स्ट्रीम से हॉरिजेंटल जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस जो होता है आपमोसफियर वो काफ़ी देखने में मिलता है वर्टिकल सर्कुलेशन जो है एयर का वो कॉज करता है रैपिड चेंज ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर बिटवीन ट्रोकोस्फियर एंड स्टेटोसफियर ट्रांसफर जो सी एफ सी है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टाटोसपियर को राइट आपके और फिर वहाँ पे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग उस वजह से ज़्यादा हो जाती है मानसून जो है साउथ एशिया का कंट्रोल एंड अफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम तो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल और अफेक्ट होता है इंडिया की मानसून से यानी कि जेट स्ट्रीम जो है वो वहाँ का जो क्लाइमेट है एशिया का क्लाइमेट वो काफ़ी इफेक्ट होता है ना कमिंग टू तो, साइकल जो हमने देखा कि जो पहले स्ट्रेट पाथ था राइट विद द पासिस ऑफ टाइम जैसे जैसे ये जो मैंड्रज हैं आपके जो वेवी पाथ हैं ये मेच्योर होते गए वैसे वैसे जो है पे, में यहाँ पे सेकेंड स्टेज में ये मैंडरिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थर्ड स्टेज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रॉसबी वे बनना स्टार्ट हो गई सेकेंड स्टेज में और फिर थर्ड में जब आएंगे तो ये अपना देखिए कहीं हाई प्रेशर है कहीं आपका लो प्रेशर है हाई प्रेशर लो प्रेशर तो अपने जो है ये साइक्लोन और एंटीसाइक्लॉन जो है फिर इनके बनना स्टार्ट हो गई तो एक सिंपल uh, सी भाषा में आपको अगर समझना होगा जेट स्ट्रीम क्या है तो ये कुछ भी नहीं है ये एक नैरो विंड्स है जो कि अपर एटमोसफेयर में ब्लो करती है राइट वेस्ट टू ईस्ट चलती है विंटर्स में इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और आपने एक इंडेक्स साइकिल याद रखना है और रस भी वे कौन से स्टेज में बनती है ये याद रखना है बाकी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें राइट और आपने ये याद रखना ज़रूर इंडियन मानसून को जो है वो जेट स्ट्रीम अफेक्ट करता है So, everybody, that's all about. If you need PDF, so you can contact on this number. So, that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.